नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ समस्त मंडियों के आलू के भाव, लोकल मंडियों के भाव, बाहर के साउथ के भाव, क्या रेट बिक रहा है दोस्तों, और आलू में क्या हुआ दोस्तों। आज आलू में सब जगह सुधार आया है, साउथ की मंडियों में भी सुधार, नए आलू के रेट में भी दोस्तों बढ़िया सुधार चल रहा है, धीरे धीरे करके सुधार बनता चला जा रहा है। तो इस बात से किसानों के चेहरे पर खुशी आ जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी वीडियो। और दोस्तों, जो नए बीज वाले जो मैंने वीडियो दिखाए थे दोस्तों, वो सब आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा काम क्या है, आप सभी लोगों को जानकारी देने का। कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे आप मतलब अपना ही खेत दिखा रहे हैं। दोस्तों, मैंने अगर मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसान हूँ, तो मैं क्यों नहीं दिखाऊँ, सही बात है ना। तो मेरे को ज़रूरी है कि सब लोगों को मैं अपने माध्यम से जानकारी दूँ, क्योंकि मैंने महिंद्रा HZPC से बीज खरीदा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कैसे मिनी स्प्रिंकलर से हम आलू की खेती करते हैं, जिससे पानी की बचत होती है। आलू लोग आजकल चाहे यहाँ से उल्टे सीधे लोग उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, बीज ले आते हैं आलू का। और मेरा काम दोस्तों ये है कि लाइव आपको वीडियो में दिखाऊं कि क्या कैसे चल रहा है। तो मैं कैमरे से दिखाता हूँ दोस्तों, और आप सब लोगों को एकदम लाइव दिखाता हूँ, कोई इसमें छुपा हुआ नहीं रहता। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है वैभव शर्मा, एक बार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। शुरुआत करेंगे दोस्तों आलू के भाव से। तो सबसे पहले बात करते हैं मधुरई मंडी की। तो मधुरई मंडी की मंडी में दोस्तों, अब तक करीब 4-5 दिन पहले तक आलू वही 12 रुपए किलो, 13 रुपए किलो बिक रहा था। खास दोस्तों, मधुरई की मंडी में जो कोल्ड स्टोर का बढ़िया आलू है दोस्तों, वो 16 से लेकर 17 रुपए किलो तक बिक रहा है, एक्स्ट्रा सुपर आलू बढ़िया। और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 12 से लेकर 14 रुपए किलो तक बिक रहा है। और बात कर लो दोस्तों, दो तीन दिन से काफ़ी मंडी में सुधार आया है, क्योंकि कोल्ड स्टोर की अब आमदनी कम हो गई है, कोल्ड स्टोर का आलू कम पहुंच रहा है मंडी में, इस वजह से रेट बढ़ने की संभावना है। और कोलार का जो लोकल आलू चलता है वो ख़त्म हो गया है, इस वजह से मधुरई मंडी में सुधार आया है। बात करते हैं दोस्तों इंदौर की। तो इंदौर का बात करें दोस्तों, तो इंदौर का जो आलू मधुरई मंडी में जा रहा है, जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है, वो 18 से लेकर 20 रुपये किलो तक बिक रहा है। और हल्की क्वालिटी का नॉर्मल 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गुवाहाटी मंडी की। ठीक है, तो गुवाहाटी मंडी की अगर हम बात करें, तो गुवाहाटी में आगरा का आलू जो बढ़िया आलू है, वो 9 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 7 रुपये से लेकर 8 रुपये किलो तक बिक रहे हैं गुवाहाटी की मंडी में। और नए आलू की दोस्तों बात करते हैं, तो नया आलू एक्स्ट्रा सुपर जो पंजाब का पहुँच रहा है गुवाहाटी मंडी में, वो 11 से लेकर 12 रुपये किलो तक बिक रहा है। और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का दोस्तों 9 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहे हैं उसमें गुवाहाटी की मंडी में। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों लोकल आलू की। जो लोकल गुवाहाटी का आलू, जो लोकल आलू आता होगा जो मंडी में, उसकी बात करें तो वो 11 से लेकर 12 रुपए किलो तक बिक रहा है। और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 9 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो तक बिक रहा है गुवाहाटी की मंडी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। आप काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों को भाव बता रहा हूँ, तो बड़ा, क्योंकि मैं बीच में एक दो दिन मैंने आप सभी लोगों को जानकारी देता रहा आलू के बीज वगैरह इनके बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों मेट्रोपालम मंडी की। तो मेट्रोपालम में आलू आज 1500 से लेकर 1900 रुपये तक बिका है दोस्तों, 45 किलो की तौल। इंदौर का आलू 900 से 1000 रुपये तक बिका है 45 किलो। और गुजरात का 900 से 1000। और आगरा का 700 से 750 रुपये 45 किलो की तौल बिका है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों चेन्नई की। तो चेन्नई में बढ़िया आलू एक्स्ट्रा सुपर वो 15 से लेकर 17 रुपये किलो तक बिक रहा है। और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिक रहे हैं चेन्नई की मंडी में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों जयपुर की। तो जयपुर में आलू वही एक्स्ट्रा सुपर 5 से लेकर 7 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 4 रुपये से लेकर 5 रुपये किलो तक बिक रहा है जयपुर की मंडी में। और नए आलू की बात करें जयपुर की मंडी में, तो 8 से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, वो नॉर्मल 6 से लेकर 8 रुपये किलो तक बिक रहे हैं जयपुर की मंडी में दोस्तों। तो दोस्तों आजकल क्या है, अब मैंने कल आप लोगों को लाल आलू दिखाया बढ़िया महिंद्रा वाला दोस्तों, उसकी पैदावार आपने देखी होगी, आप 60 दिन के अंदर कितना मतलब सही हो गया। तो अब और उसका मैं आप लोगों को प्रॉपर जानकारी दूंगा जिस दिन मशीन चलेगी, तो मशीन के पीछे दिखाऊंगा कि वो आलू कैसा निकलता है, बताऊंगा दोस्तों कि एवरेज में वो आलू कैसा निकला। तो आप लोग जितने भी लोग हैं वो देखेंगे, पहले ही दोस्तों मेरा एकदम साफ़ सुथरा काम रखना चाहिए, आप लोगों को पीछे मशीन के दिखाऊंगा कि कैसा आलू निकल रहा है ये तो। ठीक है, और कंपनी की मीटिंग है, ये तो सब चीज़ होती रहती हैं दोस्तों, और ज़रूरी भी है, किसानों को इससे जागरूक होने का काम होता है। क्योंकि आजकल क्या है, छोटे फार्मरों को कोई जानकारी होती नहीं है बीज वगैरह के बारे में, वो लोग इधर उधर से ही अपना ठगियाई में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं दोस्तों। तो मेरा निवेदन यही रहेगा, जहाँ से भी आप बीज बुक कराएं या कोई चीज़ है, तो आप सबसे पहले उसका फील्ड देखें कि आलू उसका कैसा है,
ठीक है ना, और उसकी पूरी जानकारी लें, उसके बाद उसके बाद आप बीज का बुकिंग कराएं, यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। बात करते हैं दोस्तों मुंबई की, तो मुंबई में आगरा का उत्तर प्रदेश का बढ़िया आलू एक्स्ट्रा सुपर 13 से लेकर 14 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, बढ़िया जो कोल्ड स्टोर के दोस्तों जिनमें कुल्ला उल्ला नहीं है, एकदम बढ़िया आलू और हल्की क्वालिटी का 10 से लेकर 11 रुपए किलो तक बिक रहा है। और दोस्तों इंदौर का जो आलू मुंबई में आ रहा है वो 12 से 13 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, और नया जो कि आलू दोस्तों है इंदौर का वो 10 से लेकर 11 रुपए किलो तक बिक रहा है। नई की बात कर रहा हूँ दोस्तों, नए आलू की इंदौर की। नासिक की बात करें दोस्तों तो नासिक में आगरा का यूपी का एक्स्ट्रा सुपर आलू वही 12 से लेकर 13 रुपए किलो तक बिक रहा है, नॉर्मल हल्की क्वालिटी का दोस्तों 8 से लेकर 9 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, और इंदौर का दोस्तों नया आलू है वो 12 से लेकर 13 रुपए किलो तक बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का 10 से लेकर 11 रुपए किलो तक बिक रहा है नासिक की मंडी में। बात करते हैं दोस्तों पूना मंडी की, तो पूना मंडी में भी सुधार है। पूना मंडी की बात करें तो आगरा का जो बढ़िया आलू एक्स्ट्रा सुपर है वो 12 से लेकर 13 रुपए किलो तक बिक रहा है दोस्तों, और हल्की क्वालिटी का वो बिक रहा है 9 से लेकर 10 रुपए किलो तक पूना की मंडी में। तो दोस्तों अभी पूना की मंडी काफ़ी डाउन हो गई थी, पर अब ये है कि धीरे धीरे सुधार हो गया है मंडी में, तो आगे उम्मीद करते हैं कि सुधार होने के और भी चांसेस हैं, जिससे नए आलू की डिमांड अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों इंदौर के आलू की, जो इंदौर का नया एक्स्ट्रा सुपर आलू है बढ़िया, जो इंदौर का आलू आ रहा है पूना की मंडी में वो 12 से लेकर 13 रुपए किलो तक बिक रहा है, और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का दोस्तों 11 से लेकर 12 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, और नई पूना की बात करें जो लोकल फसल चलती है वो 12 से लेकर 13 रुपए किलो तक बिक रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों बेंगलोर की, तो बेंगलोर मंडी की बात करें तो आगरा का आलू जो एक्स्ट्रा सुपर VVIP आलू है वो 700 से लेकर 800 रुपए तक बिक रहा है दोस्तों, मतलब 1600 रुपए क्विंटल, और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 500 से लेकर 550 रुपए तक बिक रहा है बेंगलोर की मंडी में, और इंदौर का दोस्तों आलू एक्स्ट्रा सुपर वो 800 से लेकर 900 रुपए तक बिक रहा है, और नॉर्मल आलू दोस्तों 500 से लेकर 600 रुपए तक बिक रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों लोकल आलू की, तो लोकल आलू की बात करें तो फर्रुखाबाद की बात करें सबसे पहले, तो लगभग 80-85 मोटर वहाँ पर आई हैं आज, और लगभग 100 रुपए कट्टे का उछाल है आलू में फर्रुखाबाद की मंडी में, और बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर आलू 800 से लेकर 850 रुपए क्विंटल बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 650 से लेकर 700 रुपए क्विंटल बिक रहा है फर्रुखाबाद की मंडी में, और दोस्तों लगभग 100 रुपए कट्टे का उछाल है फर्रुखाबाद की मंडी में, किसानों के चेहरे एकदम खिल गए। बात करते हैं दोस्तों आज़ादपुर दिल्ली की बात, तो दिल्ली में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू वही 450 से लेकर 500 रुपए तक बिका है नया आलू, और नॉर्मल आलू दोस्तों 400 से लेकर 500 रुपए तक बिके हैं दोस्तों, ये भी 50 किलो के भाव हैं, ये 50 किलो के दोस्तों भाव हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में आलू वही नया 400 से लेकर 450 रुपए तक बिक रहा है एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया आलू। तो दोस्तों उतार चढ़ाव रेट में चलता रहता है। कुछ बात करते हैं फसल के बारे में, तो फसल आज आलू की बढ़िया चल रही है अभी तक फ़िलहाल, और कुछ जगह से जैसे कुछ हर मतलब पूरा आलू एक तरह से नहीं चल रहा है, कुछ आलू जो लेट है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत हल्की फसल है जिनमें पत्ता काला पड़ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है, किसी में हल्की पुल्की ब्लाइट की भी संभावना आ रही है, किसी में जड़ काली पड़ रही है। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों इस साल ये रही। पैदावार की मैं कहूँ दोस्तों तो पैदावार जैसे लोग कह रहे हैं, जैसे बहुत आंकड़ा लगा रहे हैं, मैं भी आंकड़ा लगाता हूँ अपना और जानकारी इकट्ठी करता हूँ, तो पैदावार मेरे हिसाब से तो अभी फ़िलहाल आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो आलू की कम ही निकलेगी, ज़्यादा नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं तो घूम रहा हूँ, मैंने और भी कई जगह देखा, तो खेतों में अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से आलू की फुलाव और बढ़िया सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पीलापन बहुत जल्दी आ गया है, और जितनी भी जो अच्छी फसल दिख रही थी हमको दिखने में लग रही थी, उन फसलों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो ही खेत पीले पड़ने लगे हैं, धीरे धीरे पीले पड़ रहे हैं, पेड़ों पौधों पे धब्बे टाइप के, और मतलब ये मान लेना एकदम स्वस्थ जो फसल होती है आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं इस समय चल रहा है आपका 5-6 जनवरी हो गया, और इस समय कोहरा और ठंड भयंकर पड़नी चाहिए, तो उसके बाद आप देख सकते हैं ना कोहरा पड़ रहा ना ठंड पड़ रही, और रात को ठंड पड़ रही है, दिन में एकदम फट करके धूप निकल रही है, तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है आलू की फसल के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि आलू की फलाव कम होगा ऑटोमेटिकली। और दोस्तों सीधी सी बात, धीरे धीरे करके और भी बातें खुलती चली जाएंगी, पता चलती चली जाएगी कैसी पैदावार निकलेगी धीरे धीरे करके, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, और जल्दबाजी में कोई चीज़ कहनी भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे करके विश्वास मतलब देखेंगे, खेतों में जाएंगे तब हम लोगों को भी विश्वास होगा कि क्या कंडीशन है, और भी किसानों से मिलेंगे धीरे धीरे करके, आज करीब 60-65 दिन का कुछ लोगों का आलू हो गया, कुछ लोगों का 55-50 दिन का हो गया, तो हर इंसान से हर फील्ड में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों को बढ़िया लगा होगा, कई दिन बाद मैंने भाव बताए, मैं आशा करता हूँगा
और दोस्तों एक दो दिन में बारिश होने की संभावना बन रही है। आज भी मौसम धूप नहीं निकल रही है हमारे यहाँ, बारिश होने की संभावना है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, लाइक करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।